नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग इस बात पे ध्यान देते हैं कि मकर संक्रांति, सबसे पहले तो आपको मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई। ईश्वर बहुत ही खुशहाल रखे आपको, आपकी मनोकामना पूरी हो, जीवन में तरक्की करें। यह एक शुभ दिन की शुरुआत है, उस बात पे हम आएंगे कि शुभ क्यों है, इसकी शुभता क्यों मानी जाती है। उससे पहले हम 15 तारीख की ग्रह स्थिति केवल जान लें कि अभी भी राहु जो है वो मिथुन राशि में चल रहा है, चंद्रमा सिंह राशि में ये मायने रखती है और मंगल वृश्चिक राशि में, बृहस्पति केतु और शनि मकर राशि धनु राशि में, और मकर राशि में सूर्य का प्रदेश जिसको मकर संक्रांति कहते हैं वो हो चुका है। बुध वहां पहले से विराजमान है और कुंभ राशि में शुक्र का गोचर है। मकर संक्रांति का मतलब होता है सूर्य की संक्रांति, ये सूर्य मकर संक्रांति है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और ये मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। कुछ बातें ध्यान रखने योग्य है, वो ये है कि सूर्य उत्तरायण हो गए, अभी दक्षिणायन थे अब उत्तरायण हो गए, और उत्तरायण होने का मतलब होता है ऊर्जा का संचार, जनमानस में ऊर्जा का संचार, क्योंकि सूर्य इकलौता एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ज्यादा पोषक है, सबसे बड़ा विटामिन डी का ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, विटामिन डी का स्रोत माना जाता है। हड्डियों में, हमारे शरीर में विटामिन डी का सिर्फ और सबसे बड़ा स्रोत सूर्य, सूर्य की किरणों से ये मिलती है। जितने भी पौधे या लिविंग बींग, जो कुछ भी इस पूरे प्रकृति में जिसको भी ऊर्जा चाहिए, जो जीवित है, जो हरा भरा है, जो अचर रह के भी चर है और चर रह के भी अचर है, उन सब में ऊर्जा का संचार सूर्य से हो रहा है। सबसे ज्यादा पोषक सूर्य है और दाहक भी है, इसलिए इसको दाहक भी कहते हैं, पोषक भी कहते हैं। जब सूर्य उदय होता है तो बहुत सारे विटामिन्स, बहुत सारे ऊर्जा के स्रोत, बहुत सारे पोषक तत्व लेके आता है, और जब अस्त होता है तो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है जो बहुत सारे कीटाणुओं को मार के जाती है। इसी वजह से, और ये अस्त कहां होते हैं, पश्चिम दिशा में, उदय कहां होते हैं, पूरब दिशा में, कहा जाता है पूरब में जगह छोड़िए घर के पूरब में और वहां हरियाली करिए, और सूर्य की किरणें उसको ऊर्जा दे करके जाएंगी। और पश्चिम दिशा में कहा जाता है शौचालय बनवाने के लिए या ऐसी चीजें जो गंदगी होती है, जिनसे गंदगी निकलती है, उसको पश्चिम दिशा के रूप, पश्चिम दिशा में कहा जाता है, पश्चिम दिशा में वो शुरू करिए ताकि वहां पे उसका अल्ट्रावायलेट रेज उन सारे कीटाणुओं कर को मार करके जाएंगे। किसी भी शुभ कार्य में सबसे ज्यादा जो आवश्यक होता है वो आवश्यक होता है ऊर्जा। ऊर्जा ही शुभता है, पॉजिटिव एनर्जी हो, सौम्य ऊर्जा हो। अब बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की। सूर्य मेष में उच्च का होता है और तुला में नीच का होता है और स्वगृही होता है सिंह राशि में। इस समय सिंह राशि भी आज के दिन, ये एक अद्भुत योग इसको कह सकते हैं ग्रहों के आधार पे, आज के दिन सिंह राशि भी एनर्जाइज है, क्योंकि जिस घर में चंद्रमा जाता है वो घर एनर्जाइज हो जाती है। तो
सिंह राशि में चंद्रमा जाकर के आज सिंह राशि को भी एनर्जाइज किया है, मतलब सूर्य का स्रोत जो है, सूर्य का जो अपना घर है, वो भी आज पूरी तरीके से ऊर्जावान बनी हुई है। एक बात मैं और कहूंगा, राशियों के आधार पे जो बातें कही जाती है ना, अगर कोई शुभ योग बन रहा है, अगर कोई सुयोग बन रहा है, तो वो पूरे जनमानस के लिए बन रहा है। वो सुयोग किसी को कुयोग के रूप में फल नहीं देगा, वो सुयोग सबके लिए सुयोग होगा। तो मकर संक्रांति आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मकर संक्रांति किसी के लिए नुकसानदेह नहीं हो सकती है। ये सबको एक सब में एक ऊर्जा का संचार दे रही है। हम राशिफल की बात करेंगे, लेकिन यह राशिफल मासिक राशिफल होगी, क्योंकि सूर्य के आधार पे जो राशिफल बनेगी ना, सूर्य का कार्यकाल एक माह तक होता है, अतः यह मासिक राशिफल होगा। राशिफल में मेष राशि, दशम भाव का सूर्य शासन सत्ता पक्ष में आपका वर्चस्व बनाएगा, राजनीतिक लाभ देगा। चूंकि सूर्य शासन सत्ता पक्ष का है, सरकारी कामकाज का है, पूरब का है, इतिहास का है, ऊर्जा का है, तो ये सारी चीजों का लाभ आपको मिलने वाला है। दशम भाव का सूर्य बहुत ही लाभप्रद होता है। वृषभ राशि, भाग्यवर्धक दिनों के जब तरफ जा रहे हैं आप, निश्चित तौर पे एक आने वाले कुछ महीनों तक सूर्य का पूरा पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा। बहुत अच्छी स्थिति रहेगी शासन सत्ता पक्ष के लिए, ऊर्जा के लिए, और आप निरोगी काया आपकी बनती हुई चली जाएगी, लाभप्रद है आपके लिए। मिथुन राशि के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह है, आपको शासन सत्ता पक्ष से बच के पार करिए, कोई भी गलती मत करिए जिससे आपको नुकसान का सामना करना पड़ सके, थोड़ा सा बच के पार करिए आपके लिए अच्छा होगा। और सूर्य से संबंधित किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर हो किसी को, तो सूर्य को जल देना, ओम घृणे सूर्याय नमः कहना, यह आपके लिए उचित होगा। तो आज सबके लिए यह मंत्र है, ओम घृणे सूर्याय नमः कहिए और सूर्य को जल दीजिए, यह निश्चित तौर पे आपको लाभ पहुंचाते हैं। कर्क राशि, शासन सत्ता पक्ष का आशीर्वाद मिलेगा, नौकरी चाकरी के चांसेस मिलेंगे, सरकारी तंत्र में रोजगार के क्षेत्र में अगर आप देख रहे हैं, एलिजिबल हैं, तो आपको लाभ मिलने के पूरे पूरे संकेत दिखाई पड़ रहे हैं, आपके लिए भी वही है, सूर्य को जल दें। सिंह राशि, सरकारी तंत्र से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी में बिजी, कहीं आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई हुई है उसमें आपको विजय मिलेगा, या कोई विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है आपके तो उसमें आपको विजय मिलेगा, आप आगे बढ़ रहे हैं, कानूनी तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कन्या राशि, थोड़ी चिड़चिड़ापन रहेगी, मन में थोड़ा आवेग, गुस्सा, क्रोध, इस पे आप काबू रखिए और कोई भी ताम्रपात्र दान करिए और सूर्य को जल दीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। तुला राशि को एक तरीके से बड़ी अच्छी स्थिति दिखाई पड़ रही है, घर में थोड़ा जरूर ड्राइनेस रहेगी, फिर भी घर में ऊर्जा का संचार होगा। अब ऊर्जा के संचार को थोड़ा सौम्य रूप देना है, अदरवाइज थोड़ी कलाकारी सृष्टि का सृजन होगा। दो उपाय कर लें, कोई ताम्रपात्र दान करें और ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें, सूर्य को जल दें, आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। वृश्चिक राशि, चार चांद लगाने वाला समय है, क्योंकि सूर्य आपका दशमेश है और तृतीय भाव में गया है, ये आपको निश्चित तौर पे लाभ देगा, बहुत बड़ी राहत, सरकारी तंत्र से, रोजगार से, कानून से, बहुत बढ़िया। सूर्य के क्षणों में जाइए, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करिए और सूर्य को जल दीजिए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। धनुराशि, थोड़ा ड्राइनेस, कुछ कड़वे शब्द या थोड़ा सा हार्ड वर्ड का यूज करेंगे
जिसके वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। केवल इतना ध्यान रखिए, बाकी सरकारी तंत्र आपके नजदीक आ गया है, नौकरी चाकरी में बढ़ोतरी, व्यापारिक लाभ, कुल मिलाकर के अच्छा संकेत है। केवल अपनी जुबान पे आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तांबे की बनी कोई भी वस्तु अपने पास रखिए और सूर्य को जल दीजिए। सूर्य का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। मकर राशि, मकर राशि, ऐसे तो बड़ी ऊर्जावान बने रहेंगे आप, लेकिन सूर्य आपके लिए बहुत अच्छा नहीं साबित होगा। सूर्य अष्टमेश है तो थोड़ा दाहक तत्व का भी आपके अंदर संचार कराएगा, थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखिए, उसको सॉफ्ट करिए और उसको सकारात्मक कार्यों में लगाइए, अच्छा होगा। आपके लिए अत्यंत आवश्यक है कि सूर्य को जल दे, सूर्य मंत्र का जाप करें और कोई भी तांबे की वस्तु दान करें। कुंभ राशि, कानूनी संकट आ सकती है, राज सत्ता पक्ष से किसी तरह की कोई परेशानी हो सकती है, बच के पार करें और किसी भी तरह का कोई रिस्क ना लें। ताम्रपात्र का दान करें और सूर्य मंत्र का जाप करें, सूर्य को जल दें, यह आपके लिए अच्छा होगा और परेशानियां कम हो जाएंगी। मीन राशि, उच्चाधिकारी प्रसन्न होंगे, सरकारी तंत्र से लाभ मिलेगा, रुपए पैसे का आवागमन बढ़ जाएगा। अगर सरकारी तंत्र में कोई पैसा रुपया आपका फंसा हुआ है तो वो निकलेगा और कानून के तरफ से, सरकार के तरफ से, राजनीति के तरफ से कुछ आपके हक में अनाउंसमेंट हो सकता है, कुछ शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य को जल दीजिए और अच्छा होगा। सूर्य को प्रणाम करिए, जब भी घर से निकलिए सूर्य को प्रणाम करते हुए निकलिए, बड़ा ही उत्तम योग बन रहा है। नमस्कार।